गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी क्लास में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हिंदी है वो बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होगी और आप लोग जो है मन लगाकर मेहनत करके पढ़ भी रहे होंगे। एक छोटी सी गुजारिश आज सबसे पहले मैं करना चाहूंगी कि आप लोग जब लिखते हैं तो हैंडराइटिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों, हैंडराइटिंग जो है वो आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है, इवन उतनी भी अच्छी नहीं है जितने अच्छा आप क्लास में कर रहे होते थे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से पहले कि आप लोग जो है लिखते समय हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इस लॉकडाउन पीरियड का देखिए आपको यूज करना है, इसे यूटिलाइज करना है। आप डेली वन पेज हैंडराइटिंग लिखना स्टार्ट करें ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग, जिन बच्चों को लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं नहीं लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो हैंडराइटिंग पेज लिखना शुरू कर दे ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, आप अपनी नोटबुक का कंपैरिजन करना कभी किसी अच्छी हैंडराइटिंग वाले बच्चे से कि देखो उसका काम कितना सुंदर है और मेरा काम जो है वो इतना सुंदर नहीं है, तो हमें खुद को गिल्टी फील होती है कि अरे देखो इसकी नोटबुक इतनी अच्छी है लेकिन हमारी इतनी अच्छी नहीं है। तो हम क्यों अपने आप को इस तरह से गिल्ट फील कराएं, ये तो हमारे ही हाथ में है ना लिखना। तो बच्चों, हैंडराइटिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। यू शुड इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग बिकॉज जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बच्चे का वो उसकी हैंडराइटिंग से होता है। कि किसी बच्चे की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तो क्लास में भी लगता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसका काम बड़ा अच्छा है, नीट एंड क्लीन है बहुत। और फिर जब उस काम को आप रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं, तो आप ही के लिए बहुत अच्छा भी होता है और वो लर्न भी जल्दी होता है जो आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपने सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं लिखा होगा तो फिर लिखते समय खुद का भी मन नहीं करेगा उसे याद करने के लिए कि मैं इसे याद कैसे करूँ, यही सोचेंगे बैठकर। तो हैंडराइटिंग का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। और चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आप कल की क्लास में हमने लिखा था, जो पिछली क्लास हमारी थी उसमें हमने कहानी लिखी थी प्यासा कौवा, और आज एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और कहानी का नाम है मगरमच्छ और बंदर। आप सबने सुनी भी होगी बंदर और मगरमच्छ की कहानी की। एक बंदर होता है, एक नदी के किनारे पर एक पेड़ होता है जामुन का, उस पेड़ पर वो बंदर रहता है। पेड़ पर जामुन जो है बड़े मीठे जामुन जो है उस पेड़ पर लगते हैं और बंदर जो है पेट भर के जामुन वहां खाता है। उसी जो नदी होती है पेड़ के नीचे, जो नदी बह रही होती है उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता है बच्चों, और मगरमच्छ भी वहां जो है छाया में आराम करने के लिए उस नदी के नीचे आ जाता। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में क्या हो गई, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ जो है ऊपर से मीठे मीठे जामुन जो है नदी में गिराता और मगरमच्छ जो है उन जामुन को खा लेता। इस तरह से दोनों जो है फ्रेंड बन गए और बड़ी अच्छी दोस्ती उन दोनों में हो गई। एक बार क्या होता है, जो बंदर होता है जब वो मगरमच्छ के लिए जामुन नीचे गिराता है तो कुछ जामुन जो है मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए ले जाता है घर पर कि चलो आज ना मैं अपनी पत्नी को भी ये मीठे वाले जामुन जो है वो खिलाता हूँ, और वो जामुन लेके अपने घर चला जाता है। जब उसकी बीवी उन जामुन को खाती है तो उसने इतने टेस्टी जामुन कभी नहीं खाए थे, और वो सोचती है कि वो पूछती है पहले तो मगरमच्छ से कि भाई आप ये जामुन कहाँ से लाए, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक मित्र है और वो डेली मुझे जामुन खिलाता है। तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसके दिमाग में एक बात आती है कि जब ये जामुन इतने टेस्टी है और जो व्यक्ति इन जामुन को डेली खाता है, तो डेली कौन खा रहा था, बंदर, तो सोचती है उस बंदर का जो हार्ट है, कलेजा है, वो कितना टेस्टी होगा। और ये सोचकर उसके मन में एक इच्छा आती है कि मुझे तो उस बंदर का हार्ट खाना है, उसका कलेजा खाना है। और यही इच्छा वो अपने पति को बताती है, मगरमच्छ को बताती है कि भाई कुछ भी करो मुझे उस बंदर का कलेजा ला कर दो, मुझे तो वही खाना है। जो मगरमच्छ है वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि देखो मगर बंदर जो है वो मेरा दोस्त है,
अगर मैं उसके साथ ऐसा करूंगा तो दोस्ती पे कौन विश्वास करेगा। लेकिन जो मगरमच्छ की पत्नी है वो नहीं मानती है और रूठ जाती है और कसमें दे देती है और पता नहीं क्या क्या करती है, और इस तरीके से जो है मगरमच्छ को उसकी बात माननी पड़ती है। मगरमच्छ भारी मन से नहीं चाहते हुए भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मगरमच्छ की दोस्ती में कोई कमी नहीं थी, मगरमच्छ अपनी सच्ची दोस्ती मानता था बंदर से, लेकिन पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ की एक भी नहीं चली। और मगरमच्छ जो है वो बंदर के पास जाता है और कहता है कि भाई आज तुम्हें ना मेरी बीवी ने खाने पे बुलाया है, क्योंकि ऐसे अगर कहता जाके कि भाई तुम्हारा कलेजा खाना है तो मेरे साथ चलो, तो बंदर क्या जाने वाला था, उसके साथ नहीं जाता। तो उसने झूठ बोला जाकर कि मेरी बीवी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो। बंदर बड़ा खुश हो गया, क्योंकि दोस्त ही तो थे, दोस्त में तो विश्वास किया ही जा सकता है। बंदर ने सोचा चलो आज तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा घर पे। अब बंदर जो है वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है, दोनों नदी में जा रहे होते हैं। तो जब आधी नदी में वो पहुंच चुके होते हैं तो जो मगरमच्छ होता है उसके उसे बात सह नहीं हो रही थी, वो बता देता है बंदर को कि यार तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे सामने ऐसी कंडीशन रखी है, ऐसी शर्त रखी है कि भाई उसे तुम्हारा कलेजा ही खाना है। तो बंदर जो है सुन के एक बार तो सुन रह गया कि भाई ये क्या आफत है, ये तो मुझे मरवाने के लिए लेके जा रहा है। तो फिर तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है, एक सोल्यूशन आता है कि किस तरह अब अपनी जान बचाई जाए। तो वो झट से कहता है यार इतनी सी बात थी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले मेरा कलेजा तो मैंने पेड़ पे ही छोड़ दिया है। अगर आपकी पत्नी को मेरा कलेजा ही खाना था तो मुझे बताते, मैं कलेजा साथ लेके आता। मगरमच्छ ने कहा अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ। तो बोले चलो वापस चलते हैं और उससे वापस पेड़ पे से मेरा कलेजा ले आते हैं, दे देंगे, खा लेंगी वो अगर उन्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो। मगरमच्छ जो है वो इतना कॉन्फिडेंस देख के बंदर का उसकी बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ अगर ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। और मगरमच्छ जो है वापस मुड़ता है और उसी पेड़ की तरफ चल देता है जिस पेड़ से वो रवाना हुए थे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है बंदर झट से छलांग लगाकर पेड़ पर पहुंच जाता है और फिर मगरमच्छ को कहता है कि मुझे बेवकूफ समझाया गया, जो मैं तुम्हें कलेजा जो है तुम्हें खिलाने के लिए वहां तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें मैंने अपना सच्चा मित्र माना था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती जो है वो खत्म होती है। तो इस तरीके से जो है बंदर ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी जब बिल्कुल मौत के मुंह में लगभग जा ही चुका था उस समय अपनी जान बचाता है और अपने आप को अपना जीवन जो है वो सेव करता है। तो इस तरीके से जो है ये एक कहानी थी जिसका नाम जो है वो है बंदर और मगरमच्छ। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी समझ में आ गई होगी, कहानी अच्छी भी लगी होगी। और देखिए बच्चों, कहानी जो होती है जिस तरीके से जिस फॉर्म में मैंने आपको कहानी को सुनाया है, आप भी कोशिश करना कि कहानी आपको इसी तरीके से याद हो। और कहानी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, एक बार सुनते ही कहानी याद हो जाती है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी याद हो चुकी होगी। लेकिन हम फंस कहाँ जाते हैं कि मैम जो है वो अपने वर्ड्स में ये कहानी लिखवाएगी और फिर हम उसी उन्हीं वर्ड्स को रटने में लग जाते हैं कि जिस तरीके से मैम ने जो वर्ड टू वर्ड लिखवाए थे वही वर्ड टू वर्ड हमें याद करने हैं। और इस तरीके से जो है हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। तो कहानी हो गई, अनुच्छेद हो गए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से सही तरीके से ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में याद करिए कहानी को, जैसे मैंने सुनाया। देखिए मैंने सुनाया आपको अलग तरीके से, लेकिन लिखवाने में थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो आपको जब कहानी पूरी याद होगी
कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, पहले दोनों दोस्त बने, फिर मगरमच्छ जो है वो जामुन ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाता है, फिर पत्नी की शर्त रखना कि भाई मुझे तो वही कलेजा खाना है उस बंदर का ही, मगरमच्छ का जाके वहां रिक्वेस्ट करना कि भाई मेरे साथ चलो खाने पे बुलाया है। इस तरीके से आप कहानी को स्टेप टू स्टेप याद रखिए कि क्या होता है, और फिर उसी हिसाब से कहानी को लिखने की जो है वो प्रैक्टिस करें। मेरे वर्ड्स पर नहीं जाए कि मैम ने जैसा लिखवाया हो तो डिक्टो वही लिखें, अगर मैम ने तरकीब शब्द लिखवाया है तो हम तरकीब ही शब्द लिखेंगे, नहीं, जो आपको इजी वर्ड लगता है। अगर आपको उपाय शब्द याद आ रहा तो आप उपाय शब्द लिखिए, इससे आपका जो है जो नॉलेज बैंक है, जो आपका आपकी कहें कि वर्ड्स का जो बैंक है वो आपका बड़ा बनेगा, आपके दिमाग में बहुत सारे नए वर्ड्स आने चाहिए, और यही एक अच्छे स्टूडेंट की जो है पहचान होती है कि उसके पास बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे वो वर्ड्स इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, मतलब हमें एक टाइम पर एक ही वर्ड के कई कई समानार्थी शब्द याद आ जाए, इसका मतलब हमारी जो वोकैबुलरी पावर है, जो हमारा शब्द ज्ञान है वो बहुत बढ़ चुका है, और ये सबसे अच्छी एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। तो कोशिश करें कि कहानी को जिस स्टेप में मैंने आपको पढ़ाया है बताया है उस स्टेप में स्टेप वाइज आपको कहानियाँ याद रहे, और लिखते समय भी आप स्टेप्स वाइज ही अपनी कहानियों को लिखें, ताकि और लिखते समय बोले जरूर, ताकि जब आपकी आप कहानी लिखेंगे ना तो आपकी कोई लाइन मिस नहीं होगी, तो बोले जरूर लिखते समय कि हाँ ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तब अगर आपकी कोई वर्ड या कोई लाइन आपकी मिस होती है तो बोलते समय आपको अपने आप से पता चल जाता है कि हाँ ये लाइन मेरी मिस हो गई है। तो हर दो लाइन एक लाइन लिखने के बाद जितना लिख लिया उसको पढ़िए, ताकि कई बार क्या होता है पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन मिस हो गई और उसके बाद हमने पूरी कहानी लिख दी है, अब वो पूरा या तो हम इरेज करके दोबारा लिखे या फिर वही कहीं काट पीट करके और फिर उस बीच बीच में छोटा छोटा सा करके लिखे, जो बहुत ही शबी सा लिख देता है, अच्छा दिखता नहीं है लिखा हुआ। तो आप कहानी को बोल बोल कर लिखे और बीच बीच में अपनी कहानी को चेक कर लें कि हाँ मैंने यहाँ तक लिख लिया, उसमें कोई मेरी लाइन तो नहीं छूट गई है, ये आपका मेथड होना चाहिए कहानी लिखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बंदर और मगरमच्छ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ होता है। उस पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। बंदर में मगरमच्छ दोनों में गहरी दोस्ती थी। बंदर मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खिलाता था।
एक बार मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए खाकर पत्नी ने सोचा कि बंदर रोज ये जामुन खाता है, रोज इतने मीठे जामुन खाता है, तो उसका कलेजा तो बहुत अधिक मीठा होगा। वह मगरमच्छ को अपनी इच्छा बताते हुए कहती है कि मुझे बंदर का कलेजा खाना है। वह बंदर मगरमच्छ जो है भारी मन से मगरमच्छ भारी मन से बंदर के पास जाता है बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। आगे के लिए मैं सीरीज कर रही हूँ बच्चों, घर की तरफ चल देता है। रास्ते में वह सारी सच्चाई
बंदर को बता देता है तो बंदर ने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। वापस चलो, चलकर ले आते हैं। वापस पेड़ के पास जाते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार वह अपनी जान बचाता है। शिक्षा है इस कहानी की, हमें मुसीबत में भी समझदारी से काम करना चाहिए। ये हो गई इसकी शिक्षा। देखिए, अगर बंदर जो है वो मुसीबत देखकर, अपनी जान पर आफत देखकर अगर घबरा जाता तो क्या बंदर जो है वो अपनी जान बचा पाता? नहीं। बंदर ने मुश्किल समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया और इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे सचमुच उसका जो कलेजा है वो पेड़ पर ही छूट गया, और इस तरीके से उसने जो है अपना अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर, अपने कॉन्फिडेंस के बल पर उसने अपने आप को जीवित बचा लिया। ठीक है, तो ये थी एक कहानी बंदर और मगरमच्छ की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।